जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने मौसम पर बोलते हुए कहा कि मौसम विभाग के अनुसार जो सूचना प्राप्त हुई है, आगामी 4-5 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में झोंकेदार हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है, जो 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। कुछ जगहों पर शुक्रवार से छिटपुट वर्षा होगी, जो कि 2-3 दिनों तक चलेगी और धीरे धीरे मानसून का आगमन हो जाएगा। उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों पर मौसम प्रतिकूल होता जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मानसून नज़दीक आता है, वैसे ही गर्मी बढ़ती जाती है, लेकिन धीरे धीरे बारिश के बाद कम हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, एमडी ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, उसके अनुसार इन्होंने दिया हुआ है कि एक दो स्थानों पर गर्जन के साथ बिजली चमकने और तेज स्थायी हवा 30 से 40 किलोमीटर चलने की संभावना इन्होंने व्यक्त की है। तो ये अभी अगले 16 तारीख से लगाया 19 तारीख तक की जो रिपोर्ट है वो हमें वर्षा भी देखिए, जो मौसम विभाग द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार अभी आगामी 4-5 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और ख़ासतौर से इस क्षेत्रों में झोंकेदार हवा चलने की संभावना उन्होंने व्यक्त की है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी बात मौसम विभाग द्वारा बताई गई है, और यह संभव है कि कल शाम के बाद से कुछ जगहों पर छुटपुट वर्षा प्रारंभ हो और अगले 2-3 दिनों तक इस तरीके से थोड़ी वर्षा हो और धीरे धीरे फिर मानसून का आगमन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 3-4 दिनों में मौसम जो रहेगा वो धीरे धीरे प्रतिकूल होता जाएगा। सर, इतनी गर्मी पड़ रही है, मौसम इतनी धूप हो रही है, लोगों से क्या? देखिए, इस समय चूँकि जैसे जैसे मानसून करीब में आने जाता है, ह्यूमिडिटी थोड़ी बढ़ती चली जाती है। इस समय जो आप देखेंगे तो ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, पसीने बहुत हो रहे हैं, तो ये धीरे धीरे जब मानसून करीब आता है तो इस तरीके से आर्द्रता थोड़ी बढ़ती है। तो अब इस मौसम में अधिक से अधिक लोग पानी का सेवन करें, कोशिश करें कि बाहर ना निकलें, धूप जब तेज़ हो तो उस समय भी अपने अवॉइड करें बाहर निकलने को, और पानी का अधिक से अधिक सेवन करें। ये एक इम्पॉर्टेंट इशू रहेगा पब्लिक के लिए।